बेसिकली ये देखेंगे 16th ग्रुप एलिमेंट। तो 16th ग्रुप एलिमेंट में कौन कौन से आ गए, तो मैंने अपने इसको इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो 16th ग्रुप में, 16th ग्रुप मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन वाले ग्रुप हो जाएंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, सेलिनियम। फर्स्ट फोर एलिमेंट जो होते हैं इसको क्या बोलते हैं अपना, चेलोवंस। दिस इज द फर्स्ट फोर, फर्स्ट चेलोवंस। क्यों? क्योंकि ओर फॉर्मिंग एलिमेंट, इससे अपन ओर तैयार करते हैं कुछ इस तरीके से। देखो एक ग्रुप है नाइट्रोजन के बाद वाला 16 ग्रुप। तो इस पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा कौन सबसे ज्यादा पाया जाता है, ऑक्सीजन इज द मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द अर्थ। सिर्फ इस ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे अर्थ में जितने भी एलिमेंट है उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन मेकअप 20.9% बाय वॉल्यूम एंड 23% बाय मास ऑफ एटमोस्फेयर में 23% एयर होता है बाय मास, और बाय वॉल्यूम 20.9। मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर इज प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट। ये पता ही है कि अपने को ऑक्सीजन कैसे मिलता है, पेड़ पौधे के फोटोसिंथेसिस से। यस सर, कुछ इस तरीके से। ये तो कर छोटे क्लासेस से भी पढ़ते आ रहा है कि भाई पेड़ पौधे लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ, उससे अपने को ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मेकअप 46.6% बाय मास ऑफ अर्थ क्रस्ट। सल्फर इज द 16th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट एंड कंस्टिट्यूएंट इतना बाय मास ऑफ द अर्थ क्रस्ट। मतलब ऑक्सीजन का सल्फर जो है 16वां सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है अर्थ पे। ऑक्सीजन एंड सल्फर अकर वाइडली इन नेचर एज ए ऑक्साइड, सल्फाइड एंड सल्फेट के रूप में पाया जाता है, जबकि पोलोनियम एंड लिवरमोनियम दीज आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट और बहुत कम पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन की सिंबल ओ, मालूम है आपको, एटॉमिक नंबर 8। तो मतलब 8 है तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p4, 2s2, 2p4। या आपको इधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखे या इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, फिर क्या होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम इधर हो जाएगा। तो हीलियम मैंने लिख दिया, और हीलियम के बाद कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर क्या कर दिया, दिस 2s2 और tp4। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर का 16, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये नियॉन के बाद आता है, तो नियॉन करके 3s2 3p4 लिखे। सेलेनियम का एटॉमिक नंबर 34, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। और सेलेनियम आर्गन के बाद आता है, इसलिए आर्गन के बाद का एटॉमिक नंबर लिख दिया। टेलुरियम का कितना आता है, 52 एटॉमिक नंबर, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और टेलुरियम किसके बाद आता है, क्रिप्टन के बाद आता है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पोलोनोमियल का एटॉमिक नंबर 84, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसका। तो आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2s2 2p4, दिस इज आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो सभी में देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 6, यहाँ भी आपका 6, ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट। मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, NS2 NP4। अगर सेकंड ऑर्बिट की बात करें, N=2, तो ये आ गया। थर्ड ऑर्बिट की बात करें, N=3, तो ये आ जाएगा।
एन फोर्थ ऑर्बिट की बात करें तो एन बराबर फोर्थ हो गया। तो इससे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इस ग्रुप का किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। ये बता है क्या होगा इसका आंसर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसका बताएं। आर्सेनिक। पोलोनियम। आर्सेनिक कहां से हो जाएगा? ये होता है ना बो से टेपो, आर्सेनिक तो कहीं है भी नहीं। यस पोलोनियम इसका बता। NH2NP4। अब 16 ग्रुप की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है 16 ग्रुप में। पहला प्रॉपर्टीज है फिजिकल स्टेट। तो ऑक्सीजन तो गैस के रूप में पाया जाता है, ये पता ही है। ऑक्सीजन इज ए गैस व्हाइल अदर आर सॉलिड। ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जितने भी होते हैं मतलब वो से टेपो, ऑक्सीजन गैस है, बाकी इसमें जितने भी है सभी के सभी क्या आपका सॉलिड है। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल। क्योंकि ऑक्सीजन को क्या लिखते हो आप? O2 लिखते हो। ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फॉर्म अ स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड, और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होता है? दिस इज O, डबल बॉन्ड। वाइट सल्फर, सेलिनियम एंड थेलेरियम एग्जिस्ट एज ए पकड 8 atom rings, जस्ट लाइक फुटबॉल जैसा होता है, एज दे आर इनकैपेबल ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड ड्यू टू लार्ज, क्योंकि फुटबॉल बहुत बड़ा होता है तो बहुत बड़ी साइज होती है, इस कारण से बॉन्ड फॉर्मिंग में कैपेबल नहीं होते हैं। दिस इज ऑक्सीजन का तो मैंने ऊपर बताई दिया है, कुछ इस तरीके का देखो। दिस इज अ पकड रिंग 8 molecules है ना सल्फर का, इसलिए बॉन्ड बॉन्ड फॉर्मेशन। और S6 होता है चेयर मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल। द टेंडेंसी ऑफ एग्जिस्ट 8 atom rings इज ग्रेटेस्ट विथ सल्फर एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ग्रुप सबसे ऊपर 8 atom है, जैसे नीचे आते हैं वो रिंग जो है डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। द स्पेशल स्टेबिलिटी ऑफ 8-member रिंग ऑफ सल्फर इज ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर एटम्स। तो सल्फर क्यों स्टेबल होता है 8-member वाले? क्योंकि वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इन्वॉल्विंग बोथ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अबव 1000 डिग्री सेल्सियस सल्फर एग्जिस्ट एज ए s2 मॉलिक्यूल ओनली व्हिच हैज अ स्ट्रक्चर लाइक O2। मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस पर अगर देखोगे तो सल्फर s2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, जैसा कि ऑक्सीजन O2 है। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तो ऑब्वियसली ऊपर वाला नॉन मेटल ही होगा, जैसे बो से टेपो ऊपर वाला नॉन मेटल होगा, तो नीचे आने पर क्या होगा? नॉन मेटालिक डिक्रीज करेगा, अब मेटालिक इंक्रीज करेगा। दिस इज नॉन मेटल, दिस इज मेटालॉइड, अरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गए। मतलब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। सबसे ऊपर वाला ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल है, सेलेनियम थेलियम मेटालॉइड है, पोलोनियम आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इज स्मॉलर देन द एटॉमिक रेडियाई ऑफ 15 ग्रुप बिकॉज इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो एटॉमिक रेडियाई जो होता है 16 ग्रुप का वो कम होगा 15 ग्रुप से। क्यों कम होगा? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ना वो डिक्रीज कर जाते हैं। हेंस एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप जाने में। एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होती है? पोलोनियम की, और सबसे कम ऑक्सीजन की होगी। एटॉमिक साइज ऑक्सीजन का 2s2 दिस डायग्राम, ऑर्बिट बढ़ते जाएगा ना, ये 3 orbit हो गया। सेलेनियम में 4 orbit हो गया, सेलेनियम में 5 orbit हो गया। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे साइज बढ़ते जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी बताया था मैंने कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है,
तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीजेस ग्रेजुअली ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप एज द एटॉमिक नंबर एंड साइज इंक्रीजेस. एटॉमिक नंबर और साइज इंक्रीज कर रहा है इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा इजली ब्रेक हो जाए, कम एनर्जी में ही वो ब्रेक हो जाएगा. तो आयनाइजेशन एनर्जी जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे कम होते जाएगा. तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन में और पोलोनियम में सबसे कम. आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट आर रिलेटिवली लो कंपेयर टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एडजेसेंट ग्रुप्स. से 16 एलिमेंट्स के आयनाइजेशन एनर्जी कम होंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एडजेसेंट ग्रुप्स. जैसे इसके पहले मैंने 15 ग्रुप वाला वाला था और ये पड़ा था ऑक्सीजन ग्रुप. तो कह रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी होगा क्या होगा, इसकी एलिमेंट्स आर रिलेटिवली लो. दिस नाइट्रोजन के कंपेरिजन में ऑक्सीजन का लो होगा, फास्फोरस के कंपेरिजन में सल्फर का लो होगा, आर्सेनिक के कंपेरिजन में सेलिनियम का आपका आयनाइजेशन एनर्जी लो होगा. कुछ आयनाइजेशन एनर्जी होता है, वही चीज मैंने बताया कि जैसे साइज बढ़ेगा कम एनर्जी में ब्रेक हो जाएगा. मतलब वही चीज कह रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बॉन्ड, मतलब वैसा एनर्जी जो कि बॉन्ड को ब्रेक कर सके. फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम इन द गैसेस इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी. दिस इज साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑलरेडी बताया. डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर क्या होगा आपका, इंक्रीज कर रहा है नीचे से आने में, न्यूक्लियर साइज भी इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा. डाउन द ग्रुप आने पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, नंबर एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो साइज भी इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियर साइज तो एटोम के साइज भी इंक्रीज करेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी जस्ट उल्टा हो जाएगा, डिक्रीज करेगा. फिजिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेसिकली क्या होता है, तो 16 ऑलरेडी सब डेफिनेशन पहले बताया हुआ है. 16 एलिमेंट हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑन मूविंग फ्रॉम ऑक्सीजन टू सल्फर. मतलब ये क्या आपका O4. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, ऑक्सीजन टू सल्फर मतलब इंक्रीज करेगा और उसके बाद क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा. ये याद रखना, डिक्रीज करेगा. पहले तो आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, फिर उसके बाद वो डिक्रीज करना शुरू करेगा. तो सल्फर का सबसे ज्यादा क्योंकि इंक्रीज कर रहा है और उसके बाद डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा, और ऑक्सीजन का सबसे कम. बताओ क्या होगा इसका आंसर. सी वाला. इसका बताएं. पी. इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी. इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होता है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज चूंकि इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज करेगा आपका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी. तो पोलोनोमियम का सबसे कम इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी और ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा. अब इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी पहले भी डेफिनेशन बताया हुआ है, ये सभी जगह एक ही डेफिनेशन होगा, ऐसा नहीं कि हर ग्रुप का अलग अलग होगा. तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ एन आइटम इन ए कंपाउंड टू अट्रैक्ट ए शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट सेल्फ इज इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी. ऑब्वियसली शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है. इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी मतलब निगेटिव चार्ज होगा, मतलब कि वो अट्रैक्ट करेगा. तो इस तरीके से आप समझ सकते हो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी. ये डायग्राम हो गया आपका, जैसे साइज बढ़ते जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी भी देखो आपका कम होते जा रहा है. साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम होगा. क्यों कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी. इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी क्योंकि इजली ब्रेक हो जाएगा ना, लेने की जरूरत ही नहीं है. डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियस साइज भी इंक्रीज करेगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करेगा.
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात कर रहे हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ग्रेजुअली विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, बट पोलोनोमियम हैज लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन थेलियम बिकॉज ग्रेटर इनर्ट पेयर इफेक्ट वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बी लेस व्हेन कंपेयर टू थेलियम। ये अपना मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, थेलियम का ज्यादा, फिर उसके बाद है पोलोनियम कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि ये क्या होता है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इसमें वंडरवाल फोर्सेस वगैरह कम होंगे थेलियम के कंपेरिजन में। और बॉइलिंग पॉइंट का भी वही ट्रेंड है, यहाँ चेंज हो गया। द लार्ज डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर इज ड्यू टू ए चेंज फ्रॉम डायएटॉमिक टू ऑक्टा एटॉमिक विच इंक्रीजेस मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस। तो बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट ऑक्सीजन एंड सल्फर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि ऑक्सीजन चेंजेस कहाँ हो रहा है, ऑक्सीजन डायएटॉमिक है और सल्फर क्या हो जाएगा, ऑक्टा एटॉमिक है। तो कहीं ना कहीं क्या वंडरवाल फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। कैटेनेशन प्रॉपर्टी देखें, कैटेनेशन क्या होता है, ऑक्सीजन एंड सल्फर शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन शो करता है, जैसे परऑक्साइड एंड पॉलीसल्फाइड आर फेयरली अस्टेबल। कैटेनेशन क्या होता है, एबिलिटी इज सेकंड हाईएस्ट फॉर सल्फर एंड आफ्टर कार्बन के बाद सबसे ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो होती है वो आपका सल्फर का ही होता है। एलेट्रॉप के एलेट्रॉप की बात करें तो ऑल द ग्रुप ऑफ 16 एलिमेंट्स के 16 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है सभी एलेट्रॉप शो करते हैं। जैसे ऑक्सीजन का एलेट्रॉप क्या होता है, ऑक्सीजन एंड ओजोन। सल्फर का एलेट्रॉप क्या होता है, रोम्बिक मोनोक्लिनिक प्लास्टिक एंड एमोर्फस। सेलेनियम का रेड नॉन मेटालिक और ग्रे कलर मेटालिक होता है। टेलुरियम का क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस एंड पोलोनियम का क्या होता है, अल्फाइन बीटा। मतलब दोनों जो इसके एलेट्रॉप होते हैं दोनों मेटालिक होते हैं पोलोनियम का। क्या होगा इसका आंसर, डिक्रीजेस इंक्रीज होगा ना, इसका बता डिक्रीज ऑक्सीजन सही है।